सो है वाई यूट्यूब फैमिली वॉन्स एकेकम बैक टू एयर एग्यूम चैनल मैं हूं आपका होस्ट है हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ तो देखी लिया होगा अभी इसकी स्किल क्या है सेल्फ रिवाइव मतलब पांच मीटर डायमीटर का एक और बनाता है एक सर्कल बनाता है उसके अंदर पंद्रह सेकेंड तक तीन एचपी मिलती है सबको तुमको भी तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इसके अलावा खुद को भी रिवाइव कर सकते हो और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नॉक होते तो वो भी रिवाइव हो जाएंगे कैसे इसका पूरा यूज़ है क्या है ये सब कुछ पता चलेगा ई e स्पोर्ट में क्या रोल है इस कैरेक्टर का ये भी मैं बताऊंगा क्या ये क्रोनो को भी डोमिनेट करेगा या फिर नहीं पता चल जाएगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो और सीधे चलते हैं यहाँ पे इस कैरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले किस तरीके से इसकी स्किल काम करती है तो जिस तरीके से आलोक अपने चारों तरफ एक पाँच मीटर का सर्कल बनाता था ये भी कुछ वैसा ही सर्कल बनाएगा तो अभी एडवांस सर्वर में वो सर्कल किस तरीके का दिखेगा मतलब उसके ग्राफिक्स अभी डाले नहीं गए लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे वीडियो देख सकते हो आप अब यहाँ देखना इसकी स्किल का सिंबल भी अभी नहीं है और ये मैंने इसकी स्किल खोली ठीक है देख सकते हो मेरी एच रिकवर होने लगी नीचे देखो एच रिकवर हो रही है लेकिन ये सर्कल जो है यहीं तक है यहीं पे अब मैं आगे निकल जाऊंगा तो देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा एच पी में वापस उस जगह पे गया तो फिर से एचपी रिकवर होने लगी तो समझ में आया जैसे आलोक अपने सर्कल को अपने और को अपने साथ लेके आगे पीछे जाता है लेकिन ये कैरेक्टर जो होगा ये उस सर्कल को वहीं पर ड्रॉप कर देगा और आगे पीछे नहीं जाएगा जब उस सर्कल के अंदर रहोगे जो पाँच मीटर रेडियस का होगा तो ये स्किल काम करेगी मतलब उस टाइम तुम्हारी एच भी इंक्रीज होगी और उस टाइम तुम खुद को रिवाइव भी कर पाओगे अगर नॉक हो जाते उस सर्किल के अंदर उस सर्किल के बाहर नॉक होगे तो तुम इस स्किल को यूज़ नहीं कर पाओगे इसके एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं एडवांटेज क्या है यहाँ पे मैं ये भी बताता हूँ लेकिन उससे पहले देख लो कि किस तरीके से ये सेल्फ रिवाइव जो है ये काम करता है ठीक है और जो मैंने इससे पहले बताया जो सर्कल है वो एक जगह फिक्स होता है जहाँ पे तुम एबिलिटी यूज़ करते हो उसके बाहर चले जाओगे तो स्किल काम नहीं करेगी और उसके अंदर जो भी रहेगा उसके लिए स्किल काम करेगी अब ध्यान से देखो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ठीक है अगर मैं स्किल ऑन करके नॉक होता हूँ ये मैंने स्किल ऑन करी और ये सर्कल बन गया ठीक है अब देखो नॉक हो गया और यहाँ पे रिवाइव मैं खुद कर सकता इवन अगर मेरे साथ मेरे टीममेट्स भी इस सर्कल में नॉक होते तो वो भी खुद को रिवाइव कर सकते थे क्योंकि वहां पे मैंने स्किल ऑन कर दिए इंपॉर्टेंट बात है कि उस स्किल को तुमको पहले ऑन करना है नॉक होने के अगर नॉक हो जाओगे उसके बाद स्किल ऑन करने का बटन नहीं आएगा जस्ट लाइक क्रोनो वुकोंग में नॉक होने के बाद स्किल नहीं आती है ठीक है और एक चीज अब यहाँ पे इस कैरेक्टर के आने के बाद हो जाएगी वो ये कि हर कोई नॉक करने के बाद प्लेयर्स को फिनिश जरूर करेगा अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो सामने बंदा है ठीक है ओके ये बंदा आया और यहाँ पे अगर मैं इसको डैमेज देता हूँ और मैं यहाँ पे डैमेज देकर नॉक हो जाता हूँ इसके पास ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं सेल्फ रिवाइव कर रहा हूं, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले क्या करना है फिनिश करना होगा हर किसी को मेंटालिटी बना लेनी होगी कि भाई नॉक करके फिनिश करना इंपॉर्टेंट है वरना बंदे सेल्फ रिवाइव हो जाएंगे तो नेक्स्ट आता है इसका एच रिकवरी पंद्रह सेकेंड में हर सेकेंड तीन एच रिकवर करता है मतलब टोटल देखें तो 45 फाइव एच पी तुम्हारी रिकवर होगी 15 सेकंड में जो कि बहुत ही कम है टाइम के हिसाब से 15 सेकंड वेट करोगे और तब जाके तुम्हारी 45 फाइव एच पी रिकवर होगी लेकिन अगर देखा जाए कूल डाउन टाइम एक मिनट ही है आलोक से ही मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पे यह कैरेक्टर सेल्फ रिवाइव और अपने टीम को रिवाइव करने के बहुत काम आता है तो यहाँ पर अगर देखें इसका ईस्ट इस पोर्ट में क्या रोल होने वाला है इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी तो मैं यहाँ पे ये चीज़ सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगा कि एडवांटेज कितने डिसएडवांटेज कितने ई e स्पोर्ट में ई e स्पोर्ट में लास्ट में जोन के अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती है जोन का डैमेज बहुत आता है वहाँ पे वही हम बात करें क्रोनो की स्पीड काम आ सकती है आलोक की हेल्थ रिकवरी और स्पीड काम आ सकती है लेकिन ये कैरेक्टर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा क्योंकि जो इसकी स्किल होगी ना वो एक जगह पर ड्रॉप हो जाएगी और तुम उसके आगे निकल जाओगे तो तुम्हारी हेल्थ रिकवर होगी ही नहीं तो ये जोन के अंदर जाने में कोई भी काम का नहीं है लेकिन अगर दूसरी तरफ एडवांटेज देखें तो जो सपोर्टर होगा टीम का यानी कि जो दोनों रशर्स के पीछे चल रहा है वो ये कैरेक्टर ले सकता है रीज़न इमेजिन करो कि तुम्हारे दोनों प्लेयर गए रशर गए उन लोग ने एक दो प्लेयर को नॉक किया और वो दोनों एक जगह पे नॉक हो गए अब जो यहाँ पे जो सपोर्टर होगा पीछे जो ये कैरेक्टर स्किल लगाया हुआ है वो जल्दी से जाएगा वहाँ पर और वहाँ जाते ही अपनी ये स्किल ड्रॉप करेगा और वहां से वो निकल भी सकता है उसको वहां रुकने की भी जरूरत नहीं है ये दोनों जो रशर हैं वो खुद को अपने आप रिवाइव कर लेंगे और बाकी के जो दो प्लेयर हैं वो फाइट में इंगेज रहेंगे इससे क्या होगा तुम्हारे दोनों प्लेयर जो हैं वो खुद से रिवाइव भी हो जाएंगे और उनको रिवाइव करने के लिए कोई टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो बहुत ही सही है अगर एक सपोर्टर है जो मिड रेंज में खेलता है वो ये कैरेक्टर लेके ई स्पोर्ट में जरूर खेल सकता है और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब हम लोग के बाद मेडकिट की कमी हो जाती है स्पेशली ई स्पोर्ट में स्टार्टिंग की जो फाइट्स होती हैं अर्ली फाइट्स होती हैं जो ड्रॉप करते साथ होती है वहां पे मेडकिट की कमी बहुत होती है तो उस टाइम पे अपनी टीममेट्स की एचपी रिकवरी या फिर खुद की एचपी रिकवरी के लिए कैरेक्टर बहुत काम आ सकता है तो यहाँ पे ईस्पोर्ट e के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगा कि जो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलते हैं उनमें से कोई एक प्लेयर ये कैरेक्टर अपनी टीम के लिए ले सकता है बहुत काम आएगा जो अपने रशर्स के आसपास चलता है कि अगर वो नॉक होते हैं तो मैं जल्दी से जाऊंगा वहाँ पर अपनी स्किल खोलूंगा और वहाँ से निकल के फ़ाइट लेने लगूंगा और मेरे जो प्लेयर्स हैं रशर्स जो हैं वो खुद को अपने आप सेल्फ रिवाइव कर लेंगे तो मुझे तो पर्सनली कैरेक्टर अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ और इस तरीके के दो कैरेक्टर्स और भी आने वाले हैं अगर आप चाहते हो उनके ऊपर भी मैं इसी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और बताऊं कि क्या उनको ई स्पोर्ट में यूज़ किया जा सकता है या नहीं तो आपको उसके लिए बस वीडियो को लाइक करना होगा सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा रेड बटन उसको प्रेस करिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें मेरे भाई मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कल सुबह नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो बस रेडी रहना टिल देन गुड बाय टेक केयर सी यू गाइज